और अब खबर चांद पर घर बनाने की, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका चांद पर कदम रख चुका है और अब वो चांद पर बसने की भी कर रहा है तैयारी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का चांद पर घर बनाने की तैयारी को लेकर यह बड़ी खबर आई, जहां 2040 तक चांद पर घर बनाने की यह योजना है। 3D प्रिंटिंग से चांद पर लैंडिंग पैड, इमारतें और सड़क बनाई जाएगी और ये बनाएगा नासा। चांद पर घर बनाकर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे नासा के ये वैज्ञानिक। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब चांद पर घर बनाने की जो तैयारी कर रही है उसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा का ये प्लान है कि चांद पर ऐसा घर बने जिसमें कुछ समय तक इंसान भी रह सके और वहां रिसर्च भी हो सके। नासा ने 2040 तक इस मिशन को पूरा करने का टारगेट रखा है। तो नासा ने चांद पर बस्ती बसाने की जो पूरी तैयारी की है, नासा की ये प्लानिंग आखिर है क्या? इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि नासा चांद पर घरों के डिजाइन के लिए 3D प्रिंटर्स भी भेजेगा। चांद पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों से कंक्रीट भी निकाले जाएंगे। चांद की सतह पर टिकाऊ और मजबूत घर बनाने की योजना के तहत ये बात कही जा रही है। हालांकि चांद पर घर बनाकर अध्ययन नासा के वैज्ञानिक करेंगे और चांद पर भेजे जाने वाले 3D प्रिंटर का निरीक्षण फिलहाल चल रहा है। आपको ये भी समझना चाहिए कि नासा के सामने इसको लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि नासा के सामने चुनौतियों के तहत माना यह जा रहा है कि चांद पर क्योंकि तापमान 600 डिग्री तक पहुंच जाता है, चांद की सतह पर खतरनाक रेडिएशंस भी होते हैं, यहां तक कि चांद पर बनी इमारतों से उल्कापिंड टकराने का भी खतरा बढ़ जाता है, चांद पर काफी तेज हवाएं चलती हैं। ये वो चुनौतियां हैं जिसको लेकर फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि अब ये भी जान लीजिए मिशन मून के लिए नासा ने जो प्लान बनाया है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। नासा अगले साल आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है और आर्टेमिस 2 मिशन के जरिए चांद पर इंसानों को भेजने को लेकर हो रहा है फैसला। हालांकि आर्टेमिस 2 में नासा 4 लोगों को भेजने का प्लान तैयार कर रहा है। चांद के साउथ पोल पर इंसानों को उतारने का प्लान है। इससे पहले नासा ने आर्टेमिस 1 को चांद पर भेजा था और आर्टेमिस 1 मिशन में एक रोबोट चांद पर गया था।